What started as a phase has become a growing trend. I guess what I can follow. Firebolt ने अपनी एक और रगेड कॉलिंग स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है, जहां पर आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, और इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1799 की देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसी स्मार्ट वॉच के बारे में और देखते हैं क्या क्या है वॉच में फीचर्स, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बात करेंगे बॉक्स के बारे में, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ऊपर ही वॉच की प्रिंटिंग मिल जाती है, इसके अलावा नीचे ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहां पर कुछ हाईलाइट फीचर्स भी लिखे हुए हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे हम। आप लोग बॉक्स को ओपन करोगे सबसे पहले मिलता है यूजर मैनुअल, इसको पढ़ के आप लोग वॉच को ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा मिलता है 1 ईयर वारंटी कार्ड फायरबोल्ट की तरफ से, जो आपको फायरबोल्ट की सारी स्मार्ट वॉच के साथ देखने को मिल जाता है। और यह है सब्सक्रिप्शन कार्ड, जहां पर आप लोग को Gaana.com, Zee Premium और बुक माई शो का कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। बाकी मिलता है पोको पिन चार्जिंग केबल, जिसके थ्रू आप लोग वॉच को चार्ज कर सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी काफी डिसेंट देखने में लग रही है। और ये रही स्मार्ट वॉच, जो कि फुली रगेड लुक के साथ आती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी लग रही है देखने में इसकी, बाकी डिटेल में आगे बात करेंगे हम। अब बात करेंगे इस वॉच के बिल्ड एंड क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर की साइड, यहाँ पे आप लोग को मेटलिक फ्रेम प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पर काफी हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगती है। इसके अलावा मिलता है यहाँ पर आप लोग को इनबिल्ड स्पीकर एंड माइक, जिसके थ्रू आप लोग ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ कर सकते हो। और साइड में यहाँ पर आप लोग को दो पुशर बटन प्रोवाइड किए गए, ऊपर वाले बटन को प्रेस करके आप लोग बैक जा सकते हो, एंड नीचे आप लोग को शॉर्टकट की प्रोवाइड किया गया है। बाकी बात करें इसके स्ट्रैप के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग को 22mm का फुली रगेड स्ट्रैप देखने को मिल जाता है, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सुपर प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस वॉच के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस नो डाउट यहाँ पर काफ़ी टॉप नॉच क्वालिटी मिल जाती है आप लोगों को। अब बात करेंगे वॉच के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर स्मार्ट वॉच रेक्टेंगुलर शेप के साथ आती है, जिसके अंदर आप लोगों को 1.95 इंच की काफ़ी बढ़िया HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, और डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। आप लोग इस वॉच को आउटडोर इंडोर कहीं पर भी आराम से यूज़ कर सकते हो, विजिबिलिटी को लेकर कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को 240x282 का पिक्सल रेजोल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से डिस्प्ले क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, कहीं से भी पिक्सल रेट नहीं होती है। वॉच यूए की बात करेंगे, तो आप लोग ऊपर से स्वाइप डाउन करोगे तो यहाँ पे सेटिंग के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, पावर ऑफ सेटिंग, इसके अलावा ब्राइटनेस को आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे फंक्शंस देखने को मिल जाएंगे, प्रेफरेंस यहाँ पर मिलता है आप लोगों को, थीम्स, कॉम्पोनेंट एडिट, इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब, टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट एंड वाइब्रेशन, इसके अलावा मीडिया साउंड, डायल सेटिंग, फाइंड माई फोन, ब्राइटनेस, कस्टम बटन, QR कोड, लैंग्वेज, शट डाउन एंड फैक्ट्री रीसेट। इसके अलावा नीचे स्वाइप अप करते आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप लोग राइट से स्वाइप करोगे तो यहाँ पे विजिट के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। बाकी लेफ्ट से स्वाइप करते आप लोग मेन मेन्यू में चले जाओगे, जहाँ पे वॉच के सारे फीचर शो हो जाते हैं। सबसे पहले मिलता है स्पोर्ट्स मोड, जिसके अंदर आपको 150 स्पोर्ट्स मोड प्रोवाइड किए गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स रिकॉर्ड को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो यहाँ से। बाकी अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाने, इसी के साथ साथ वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा। बाकी बात करूँ हेल्थ ट्रैकिंग की, तो हार्ट रेट, SpO2, स्लिप मॉनिटर, BP मॉनिटर एंड ब्रीथ मॉनिटर जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाने। बेसिक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलार्म, वेदर फोरकास्ट, टाइमर, स्टॉपवॉच, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल एंड सेटिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी साइड वाले बटन को प्रेस करके आप लोग बैक जा सकते हो, और नीचे आप लोगों को शॉर्टकट की प्रोवाइड किया गया है। बाकी ओवरऑल UI परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक तरीके से वर्क करती है इसकी UI। लैग या फिर हैंग जैसा कोई भी इशू फेस करने को मुझे नहीं मिला अभी तक। एंड बात करें वाटर रेजिस्टेंस की, तो इस वॉच में आपको IP68 की रेटिंग प्रोवाइड की गई है, तो आप लोग इस वॉच को पहन के आराम से बारिश वगैरह में निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। वहीं बात करेंगे बैटरी बैकअप के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 25 डेज स्टैंड बाय का, और नॉर्मल यूज़ में यहाँ पे आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप देखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग कॉलिंग का फीचर्स यूज़ करोगे तो इस वॉच में आपको आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अब फटाफट एक्यूरेसी भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं ये स्मार्ट वॉच हमें हार्ट रेट और SpO2 में क्या रीडिंग शो करती है। वॉच में फाइनल रीडिंग आ चुकी है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ एक रीडिंग का फर्क निकल के आया हार्ट रेट के मामले में। अब फटाफट SpO2 टेस्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर यह स्मार्ट वॉच कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है।
वॉच में फाइनल रीडिंग आ चुकी है और एसपी टू में आपको दो रीडिंग का फर्क देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा यार, नॉर्मल आइडिया लेने के लिए आप लोग वॉच को यूज कर सकते हो, बाकी सीरियस कंडीशन में आप लोग मेडिकल इक्विपमेंट का ही यूज किया करो। फटाफट कॉलिंग टेस्ट भी कर लेते हैं और देखते हैं कैसी स्मार्ट वॉच की कॉलिंग क्वालिटी। हेलो। हाँ ब्रो, क्या हाल है? बस बढ़िया, तू बता। बस ठीक ठाक। अरे मैं ना वॉच से कॉल कर रहा था, फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो आई थी मेरे पास, तो उसी से कॉल कर रहा था। आवाज कैसी आ रही है मेरी? देख लिया है, आपको आइडिया मिल गया होगा, मुझे कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को कैसी लगी। अब आते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं क्या आप लोगों को ये रगेड कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए अंडर 2000। सो देखो यार, अभी के टाइम पे अंडर 2000 काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस लॉन्च हुई हैं, बट ये स्मार्ट वॉच अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 1799 की देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग काफ़ी बड़ी 1.95 इंच की HD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी बढ़िया एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करती है कंपनी। बाकी आप लोग देख सकते हो ये स्मार्ट वॉच फुली रगेड लुक के साथ आती है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लगती है अपने आप में। तो देखो यार, अभी आप लोगों को अंडर बजट काफ़ी सॉलिड स्मार्ट वॉच मिल जानी है। अगर आप लोग इस वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I guess what